जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथों में लेनी है, उन्हें आज अकल से अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही देख लेना चाहिए। हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के विकल्प सोचने की योग्यता पैदा करना इस शिक्षा में शामिल नहीं है? यदि नहीं है तो शिक्षा को हम निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ नौकरी करने के लिए हासिल की जाए। ऐसे शिक्षा की क्या ज़रूरत है? ये बातें भगत सिंह ने अपने लेख विद्यार्थी और राजनीति में छात्रों को संबोधित करते हुए कही थी। लेकिन आखिर क्या वजह है, आखिर क्या मायने हैं कि अभी मैं आपको भगत सिंह के उस लेख के कुछ अंश आपके सामने सुना रहा हूँ। इसके पीछे वजह है और ये वजह बहुत गंभीर है और हम छात्रों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज एक चलन चला हुआ है, लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, बड़े बड़े नेता जो सदन में और किसी पार्टी के प्रमुख तक बने हुए हैं, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या छात्रों का काम सिर्फ पढ़ाई करना है? क्या छात्रों के अंदर ये योग्यता पैदा करना नहीं है कि वो वैचारिक रूप से मजबूत हो और देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सकारात्मक दिशा में कैसे लेकर जाया जाए, ये तमाम चीज़ें सोचने की योग्यता उसके अंदर आए? क्या ये समझ छात्रों के अंदर विकसित नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों छात्रों और राजनीति को दूर किया जा रहा है? आखिर क्यों ये कहा जाता है कि छात्रों को राजनीति से दूर रहनी चाहिए, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए? आखिर क्यों हमारे जो सत्ताधीश है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं और ये हमेशा दिखता है कि वो छात्र राजनीति को हमेशा दबाना चाहते हैं? आखिर क्यों डर लगता है छात्र नीति से, छात्र राजनीति से? इसके पीछे भी रीजन कि छात्र जब राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, जब तमाम चीज़ों को अपना जो उनका संवैधानिक अधिकार है उन तमाम चीज़ों को वो जानने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे विरोध के स्वर निकलेंगे और सत्ता में बैठे इन लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अभी का जो वर्तमान भारत का दौर है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहाँ एजुकेशन के नाम पर नई शिक्षा नीति बहाल की गई, जहाँ शिक्षा का स्तर COVID-19 के बाद लगातार गिरता जा रहा है, जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का एक ढकोसला तैयार किया जा रहा है, जहाँ तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाकर छात्रों के एक समुदाय को पढ़ाई से वंचित रखने का काम किया जा रहा है, जहाँ छात्र और युवाओं के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार आज छात्रों के मुद्दे को छूना नहीं चाहती, क्या ऐसे दौर में नहीं लगता है कि छात्रों को राजनीति में सक्रिय होने की जरूरत है? ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में छात्र राजनीति का इतिहास जो है वो 150 साल पुराना है। चाहे वो 1920 का महात्मा गांधी का आह्वान हो, जिस आह्वान के तहत लाखों लाख छात्रों ने बिना करियर का फिक्र किए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूच गए थे, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, जिसमें हजारों छात्रों लाखों छात्रों ने करियर की परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे, या उसके बाद भी और तमाम तरह के जब भी मूवमेंट हो और भी तमाम तरह के छात्र आंदोलन लगातार इस देश में होते रहे, जिस आंदोलन के बाद इस देश की दशा, राजनीतिक दिशा को एक सकारात्मक दिशा मिला है। जब छात्र राजनीति का इतना पॉजिटिव इफेक्ट है, तो आखिर
क्यों आज के छात्र और युवा ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमको राजनीति में, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम छात्रों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्लानिंग के तहत कई बरसों से काम करने के बाद वो लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि कुछ छात्रों को के दिमाग में ये बातें उन्होंने डाल दिया है कि राजनीति जो करेगा वो नेता बनेगा। ऐसा नहीं, जब आपके जीवन की हर एक चीज़ राजनीति से जुड़ी हुई है, जब आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें राजनीति तय करती है, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली जो है वो राजनीति से जुड़े हुए, बस आपको अंधा बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के क्या मतलब थे, विश्वविद्यालय के क्या इम्कान रहे होंगे, विश्वविद्यालय क्यों खोला गया था, क्या विश्वविद्यालय खोलने का, विश्वविद्यालय चलाने का सिर्फ एक मकसद था कि छात्रों को किताबी ज्ञान दिया जाए, क्या इसके पीछे ये मकसद नहीं था कि उसके अंदर राजनीतिक जो चेतना है, राजनीतिक योग्यता जो है, उस योग्यता को वैचारिक माहौल में, एक पॉलिटिकल माहौल में उस योग्यता को बढ़ाकर उसे इस योग्य बनाया जाए कि वो देश के राजनीति को एक सकारात्मक दिशा दे सके। ये तमाम चीज़ें विश्वविद्यालय के मतलब थे। लेकिन आज जब हम छात्रों को उससे दूर किया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो ना कहीं वो हमें गुमराह कर रहे हैं, और जो नागरिक होने का जो फ़र्ज है वो फ़र्ज निभाने से हमें रोक रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं छात्रों से एक अपील करना चाहूँगा, मेरे जो हम रूम रहे हैं, जो क्लासमेट्स हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक संकीर्ण सोच का दायरा जो तुम्हें दे दिया गया है देश के इस व्यवस्था के तहत, जिस व्यवस्था के परिवर्तन की बात अगर कोई करता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी और भी ना जाने किन किन शब्दों से, किन किन बातों से उसे सम्मानित किया जाता है जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। आपके लिए एक दायरा बना दिया गया, एक संकीर्ण दायरा, क्या आप इसी के अंदर सोचो, आप हमारे सच को सच समझो, हमारे झूठ को झूठ समझो। लेकिन छात्रों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पढ़ाई का मकसद ये नहीं रहता है, आपको उठना चाहिए, आप जगिए, जगिए और उस संकीर्ण दायरे से आप बाहर निकलिए, जिस संकीर्ण दायरा को उन्होंने आपके लिए तय कर दिया है। आप उनसे कहिए कि आपके द्वारा एक जो संकीर्ण दायरा तय किया गया है, हम उस दायरे में नहीं सोचेंगे, हम आपके सच को सच नहीं मानेंगे, आपके झूठ को झूठ नहीं मानेंगे, बल्कि आपके सच और झूठ के बीच हम अपने सच को तलाश करेंगे। हम तुम्हारे हदों से, तुम्हारा जो तुमने जिस जो संकीर्ण दायरा हमारे लिए तय किया है, हम तुम्हारे उस हदों से बाहर निकलकर अपने जिंदगी के और अपने दुनिया के नए इम्कान तलाश करने की कोशिश करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो देश निर्माण में हमारी जो भूमिका है, उस भूमिका के तहत हम अपने वैचारिक सोच को मजबूत करके देश की जो मौजूदा हालात है, उस हालात को एक सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब हम सोचेंगे, इन तमाम चीज़ों पर जब हम काम करेंगे, तभी कहीं ना कहीं जो छात्र और जो नागरिक दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को हम समझ पाएंगे, और उन शब्दों के जो असल में अर्थ हैं, असली मानी जो है उन शब्दों के,
उनके तहत काम कर सकेंगे। वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।